ओ भाई साहब, ब्रो अभी विकेट हो सकता है। ब्रो हो गया विकेट, कैच छोड़ेंगे भाई। पंत पंत पंत, फटाफट कमेंट में कर दो पंत। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो दोस्तों, मैं हूं आपका निखिल, आप लोग देख रहे हो आई एम निकी यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को एक और नया वीडियो में स्वागत। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं प्रैक्टिस मैच, मतलब जो परसों 2 दिन के बाद होने वाले यूएसए के साथ अपना मैच होने वाले, अपन उसी के प्रैक्टिस में लगा रहे हैं। चलिए कंटिन्यू चुन लिया क्विक मैच, जो पहले कल अपन खेल के इनके साथ हार गए थे, मतलब सेकेंड बैटिंग करते हुए अपन को हरा दिए थे। दूसरे ओवर में पहले 2 बॉलों में 6 मार के इन्होंने हमको फेल के हमको हरा दिए थे। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ये टॉस टेल्स चुना हूँ, टेल्स क्या जीतेंगे अपन हारेंगे देखना पड़ेगा, अपने यहाँ डे अच्छा जाएगा। हाँ चलिए टॉस जीत के अपन पहला करेंगे बॉलिंग, क्योंकि अपने को ना बैटिंग में चेज करना है, क्योंकि ये लोग बहुत मार रहे थे अपने को कल, थोड़ा रन कम दे के इनको अपन फेल देंगे सेकेंड बैटिंग करते हुए। चलिए ये गौस और कोई आ चुका है, पहली और स्पिनर को ही दे देता हूँ अपना कुलदीप यादव को, कुलदीप भैया को। आज देखो दोनों स्पिनर से ही करवाएंगे, दूसरा पहला ओवर पे डिपेंड रहता है स्पिनर रन ज़्यादा देगा या नहीं देगा इसके ऊपर रहता है। चलिए पहला बॉल ऑफ स्पिन है, ओ भैया आउट ही हो जाता था। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस हुआ है पहला बॉल, डॉट है, डॉट के साथ शुरुआत हो चुका है, अच्छी शुरुआत है अपना। दूसरा बॉल, अरे ब्रो उधर फील्डर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही रन मिलेगा, क्योंकि वो लेग साइड थोड़ा ड्रिप्ट हो रहा था इसलिए उधर चौका लगाने का देगा, लेकिन चौका नहीं जा सकता था, उधर फील्डर अपन ने तैनात किए थे। दूसरी वन मोर, दूसरा है, क्या इस बार विकेट मिलेगा अपने को, पटापट। ओ भाई साहब 6 ब्रो, मुझे लगा था फील्डर के हाथ में जाएगा अब गेंद, लेकिन ये तो 6 के बाहर गया, कितना 100 मीटर का 6 है ब्रो, मतलब पहली 6 लगती हुई इधर, दूसरा ओ मिस ब्रो। ये देख अभी देखो स्पिनर को, इनको पढ़ने नहीं दे, पढ़ने रही है स्पिनर का गेंद ये। ओ भाई साहब आउट, नहीं फील्डर थोड़ा दूर था इसलिए आउट भी नहीं हुआ, डायरेक्ट थ्रो है, लेकिन 2 मिल जाएगा ब्रो, 2 रन मिल गया है ना, इजी से सिंगल ही ले लिया है, मुझे लगा था 2 रन, अरे नो बॉल हो जाता था, जस्ट नो बॉल हो जाता ब्रो, बच गया इसमें वाइड। ओ भैया वाइड, अच्छा हुआ उधर पीछे अपना विकेट कीपर ने पकड़ दिया था, इधर नो बॉल डाल दिया, देख बेहक दिया उसको थोड़ा। हाँ चलिए तो ये नो बॉल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विप्रियट का ये गेंद है, प्रियट का गेंद को थोड़ा डॉट्स गिरना चाहिए अभी, मतलब उनको खेलने नहीं देने का अपने को। अच्छा पैरों पे ऊपर मारा, खेल नहीं पाया, 10 रन आ चुका है। चलिए ओवर हो चुका है खत्म, अब बुमब्रुम भैया को दूँ क्या, रे नहीं यूजी भैया को ही दे देता हूँ, क्योंकि उतना रन भी नहीं बना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। यूजी भैया देखो जैसा भी रन्स काते तो भी विकेटिंग बॉल्स डालता है बीच बीच में, विकेटिकर बॉलर्स है वो। पहला बॉल फ्लिपर, ओ मिस, देख ऐसा बॉलिंग गिरना चाहिए सिर्फ, क्या अब फिर क्या चाहिए अपने को। चलिए वन मोर, टॉप स्पिन है, क्या इस बार विकेट मिल सकता है, इस बार विकेट मिल गए तो मज़े ही आ जाएगा। चलिए ब्रो अपील, नॉट आउट, रिव्यू का चांस, रिव्यू का चांस है मैं लूँगा, क्योंकि देखो पहली चांस बन गई है, मतलब विकेट लेने का, छोड़ने का क्यों, देखूंगा ना, रिव्यू जाएगा तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिल गए तो अपने पास ही आएगा ना। चले अब बॉलर, नो बॉल तो नहीं है अभी ये इम्पैक्ट, ओ भैया इम्पैक्ट थोड़ा आउटसाइड है ब्रो, आउटसाइड है इम्पैक्ट, अगर वो इनलाइन होती तो आउट मिल जाता था, अगर अंपायर ने आउट भी दिया होता तो सब अंपायर्स कॉल की वजह से आउट मिल जाता था अपने को। चलिए वन मोर टॉप स्पिन, क्या इस बार मिलेगा विकेट, पटापट बता दो। ओ भाई साहब मुझे लगा था विकेट मिलेगा, लेकिन इसने तो 6 के कन्वर्ट कर दिया ब्रो, फेल दिया अपने को, मतलब देखो अभी 16 रन हो चुके हैं, 106 मीटर का 6 है ब्रो। वन मोर फ्लिपर गेंद है इसमें, ऑफ स्पिन है सॉरी। ओ भैया ये इस तरफ लगा लिया से, 2 बैक टू बैक 6 लगाते हुए इधर,
घोष भैया ने, चाल भैया यार अच्छे से डालो यार, ऐसा मत करो, अभी विकेट हो सकता है ब्रो। हो गया विकेट, कैच छोड़ेंगे ना अपन अपना कम, यूजी भैया का कमबैक ऐसा हो सकता है, देखो अगर तुम दो मारोगे ना तो एक विकेट देना पड़ेगा, ऐसा बोलता है यूजी भैया। चलिए लास्ट गेंद है, गूगली है, एक डॉट हो गया तो मजे आ जाएगा, 22 रन 23 रन अपने को। ओ भैया स्टंप आउट भी है, स्टंपिंग हुआ है लेकिन वो देखना पड़ेगा क्या होता है, देखिए चलिए देखते हैं। ये अभी देखो कितना 22 रन है, टारगेट अपने के लिए 23, मतलब अपन जीत जाएंगे, नॉट आउट है कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ने बता दिया है पहला ही। अभी लास्ट गेंद में आउट और नॉट आउट क्या लेना देना, चलो हाथ मार लो आप, चलिए घर को जाइए। अभी हो चुका है पहला इनिंग्स ख़त्म, अपन करने के लिए आएंगे बैटिंग। किस किस को भेजूँ, रोहित भैया एंड कोहली भैया को भेज देता हूँ। देखो कोहली भैया का ना ओपनिंग में थोड़ा इतना अच्छे से खेल नहीं पा रही वो, उनको अभी थर्ड नंबर पे ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड नंबर पे तो अपना ऋषभ पंत है ही, थर्ड नंबर पे उनको ही भेजना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत ताबड़ तोबड़ बल्लेबाज करता है, ऋषभ पंत को थोड़ा बैक मतलब चौथे पे भेज के ना शिवम दुबे को बाहर करेंगे अपन, मतलब SSV को लेके आएंगे अंदर। चलिए अब पहला बॉल, रोहित ऑन द स्ट्राइक, पहला बॉल ही ओ नाई, मुझे लगा था छौका मिलेगा लेकिन सिंगल ही मिल गया, दो भी भाग नहीं सकता था क्योंकि उधर फील्डर था, आउट हो जाता था, कल पंत भैया को आउट हुआ ऐसा, इसलिए सिंगल ही मिल गया। चलिए रोहित प्रॉब्लम नहीं, विराट भैया ऑन द स्ट्राइक, ओ भाई लेट आई शॉट, उधर नहीं, उधर भी बाउंड्री नहीं मिला, उधर भी एक ही रन मिला ब्रो, सिंगल में ही खेल रही है ये फील्डिंग ना, ये फील्डिंग मुझे इतना गुस्सा आती है कि फील्डिंग देख के तो टट्टी फील्डिंग है, परफेक्ट ब्रो हाथ में जाएगा, नहीं रे परफेक्ट था यार, लेकिन दो ही रन मिलेगा, बट दो रन मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हो अपना गाड़ी, अभी देखो ये फील्डिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये यार्कर पे है, बे यल लगेगा, अब LBW अपील दे भी दिया ब्रो, मैं रिव्यू तो लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है ये इम्पैक्ट आउटसाइड है, आउटसाइड आप है ऐसा लग रही है, इसलिए मैंने लिया है, देखना पड़ेगा। विराट भैया ने रिव्यू ले लिया, अबे रिव्यू दो ऐसा बोला है विराट भैया, चलिए आप देखते हैं एक्शन रिप्ले, बॉलर अरे बहुत दूर से आता है ब्रो बॉलर, देखो हाँ लेफ्ट आर्म पे से रही है, हाँ देख पिचिंग अंपायर्स कॉल है ब्रो, इम्पैक्ट भी अंपायर्स कॉल, मुझे ऐसा ही लगा था, अबे ऐसी की तैसी अंपायर्स को खरीद लो ना फिर USA की क्या यार ये होता है, देख छुती अंपायर गिरी, दल्ला बोले इनको, क्या बोले रे, दल्ला बोले या नल्ला बोले, आउट करवा दिया ब्रो, अंपायर ने आउट करवा दिया। अभी जयसवाल भैया को भेज दिया हूँ क्योंकि पहली मैच नहीं है, हाँ वर्ल्ड कप में इनको खिलाने का चांसेस है, इसीलिए उनको भी भेज दिया हूँ। ब्रो आ गया कि स्टपोट होके मारने का ट्राई था, परफेक्ट भी था, अगर लग जाता तो सिक्स ही जाता ब्रो। चलिए लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल में 6 रन आ गए तो मज़े आ जाएगा, परफेक्ट नहीं 4 रन मिलेगा पक्का। ओ भैया फील्डर कहाँ से आ रही है ब्रो, चलिए स्ट्राइक अपने पास रखा है जयसवाल भैया ने, अभी ओवर हो चुका है ख़त्म, दूसरा ओवर करने के लिए कौन आया होगा, अरे नेत्रवालकर आया है क्या, नहीं एंडरसन आ चुका है ब्रो, सी एंडरसन आ चुके हैं, जयसवाल ऑन स्ट्राइक, क्या शॉट मारेंगे इसमें, 6 आ जाएगा ब्रो, लेट शॉट है, हाथ में ही गया, यल लग गया बे, मैंने मारा था किधर और गया किधर, हट मतलब दिशाहीन बैठे क्या बोलते बल्लेबाज ब्रो। चलिए अभी पंत भैया आ चुके हैं, पंत भैया जी कमाल करना चाहिए अपने को मैच को जितवाने के लिए, पहली बॉल अर्ली था लेकिन 4 रन था ब्रो, मतलब पंत भैया इन द स्ट्राइक, 18 रन नहीं 20 रन निकाल सकते हैं, पहला बॉल ही 4 रन ब्रो, अभी 4 गेंदों में कितना रन चाहिए अपने को, 4 गेंदों में 14 रन चाहिए, यॉर्कर है बॉल, इसको भी लगाएंगे ब्रो, 2 अर्ली था इसमें भी 4 रन मिल गया, अभी 10 रन चाहिए, 3 गेंदों में 10 रन चाहिए, जीतने के लिए अपन पास आ रही है, जीतने का चांसेस तो है अपने पास। चलिए इस बार परफेक्ट लग गए तो मज़ा आ जाएगा ब्रो, परफेक्ट ब्रो 6, ऋषभ पंत भाई बोलते ब्रो, ओनली पंत भाई, पंत पंत पंत, फटाफट कमेंट में कर दो पंत, ओनली पंत लिख दो आप,
ऋषभ पंत अभी 4 रन चाहिए ब्रो जीतने के लिए। क्या इस बार मिलेगा चौका या आउट हो जाएगा पंत भैया? वो स्टेप आउट होके मार दिया रे। चल वो बोल रहा है कि मुद दिया ले तेरा बॉलिंग पे अपन मुद दिया। चले पंत भाई ने लास्ट मैच को ख़त्म करवा दिया एक बॉल छोड़ के 8 विकेट्स के साथ अपन जीत गए। मैन ऑफ द मैच यू डिजर्व ब्रो पंत भैया, यू डिजर्व मैन ऑफ द मैच क्योंकि आप डिजर्व करते हो क्योंकि कितना रन चाहिए थे मार के निकाल दिया। चलिए आज अपन जीत गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।